मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नवनियुक्त पंचायत सचिवों से अपने पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने का आह्वान किया है। नवनियुक्त पंचायत सचिवों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को मॉडल बनाने वाले पंचायत सचिवों को विदेशों का भ्रमण कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न केवल नियुक्ति पत्र दे रही है बल्कि उनके लिए पुरानी पेंशन भी लागू कर रही है। नवनियुक्त पंचायत सचिवों के नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2550 युवाओं को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें पंचायत सचिव के 1633, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के लिए 707 निम्न वर्गीय लिपिक, वित्त विभाग के लिए 166 निम्न वर्गीय लिपिक तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए 44 निम्न वर्गीय लिपिक के पद सम्मिलित हैं। इन सभी की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई है। रोजगार को लेकर पूरे देश पर अगर हम नजर डालें तो बड़ा विचित्र स्थिति बना पड़ा है। आप लोग जितने यहां आज लगभग 250 से अधिक लोग का चयन हुआ है, आप सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, देश दुनिया में खबरों को देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी या वर्तमान हमारे शिक्षित नौजवानों का क्या हालत और रोजगार की स्थिति का क्या आलम है। अगर आप देखें जो सबसे अधिक नियुक्ति देने वाला देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अब सिकुड़ चुकी है। आज इन हालातों में भी हम अपने इस राज्य के नौजवानों को उस पीड़ा से यथासंभव प्रयास हमारा है कि उनको हम बाहर करें, और यही वजह है कि लगातार नियुक्ति की सिलसिलाएं चल रही हैं। इस राज्य ने तो सदियों से चुनौतियां देखी है, राज अलग होने से पहले भी और राज अलग होने के बाद भी। पांच पांच साल, दस दस साल बीत जाते थे, जेपीएससी की नियुक्ति नहीं होती थी, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन की नियुक्तियां नहीं होती थी, लेकिन आप देख रहे हैं रिकॉर्ड समय से पहले भी हम लोग जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करके लोगों को नियुक्ति पत्र बना करके आज राज्य में तैनात करते हुए उनका सेवा ले रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।